अरे भैया भैया रुको ना। अरे भैया कल होली है ना, तो ये रंग देखिए ना, मेरे पास बहुत ही अलग अलग रंगों के पैकेट है और वो भी बहुत ही सस्ते में। देखो बहन, मैं ऐसे रोड पे से कलर नहीं लेता, क्या पता कैसे हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ये बहुत ही अच्छे रंग है, एक बार आप देखिए तो सही। अरे तुम मुझे क्या समझा रही हो, मुझे पता है रोड के कलर कैसे होते हैं, मुझसे बहस मत करो, चलो। अरे मम्मी क्या हुआ, आप रोड पे रंग क्यों बेच रहे हो? बेटा तुझे तो पता ही है ना, मैं ये सब तेरे लिए ही कर रही हूँ। अरे मम्मी फिर तो मैं भी आपके साथ में आऊंगी। अरे नहीं बेटा रहने, नहीं मम्मा मैं भी कलर बेचूंगी। अरे बेटा, अरे दीदी दीदी क्या है? अरे क्यों परेशान कर रही हो? दीदी कल होली है, देखो ना मेरे पास में कितने अच्छे अच्छे रंग है। तो उसमें मैं क्या करूँ? अरे दीदी एक पैकेट तो ले लो, सिर्फ 20 रुपए का है। अरे 10 का हो या 20 का मुझे क्या लेना, मेरा क्यों दिमाग खराब कर रही हो, चल हट साइड में। क्या करूं, सुबह से एक भी रंग नहीं बिका अभी तक, अब कैसे वो काम पूरा करूंगी। रंग ले लो, रंग ले लो, हरा लाल पीला रंग ले लो। माँ कल होली है, अभी तक हमसे कोई रंग क्यों नहीं खरीद रहा? बेटा हमारा वक्त अभी सही नहीं चल रहा है, इसलिए शायद कोई हमसे नहीं खरीद रहा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, कोई ना कोई जरूर खरीद लेगा। अरे भाई साहब ये रंग ले लीजिए ना, बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो मैं होली खेलते हैं, तो मैं रंग लेके क्या करूं? अंकल अब तक नहीं खेले तो अब खेल लो, एक कलर तो लेके जाओ। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो, एक बार मना किया कि मुझे नहीं चाहिए कलर तो। रंग ले लो हरा पीला। ओ भैया रंग ले लो ना। तुम तो तुषार की पत्नी हो ना? हाँ लेकिन आप उनको कैसे जानते हैं? तुषार और मैं एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, तब से मैं उसको जानता हूँ, लेकिन तुम अपने बेटे के साथ ये सड़क पर कलर क्यों बेच रही हो? अरे भाई साहब मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं ये रोड पे रंग बेच रही हूँ, और अगर आपको वो मिले तो गलती से भी उनको मत बताइएगा कि हम रोड पे रंग बेच रहे हैं, वरना उनको बहुत बुरा लगेगा, और ये मेरी बेटी को मैंने नहीं बुलाया है, वो खुद ही आ गए। देखिए भाभी आपकी क्या मजबूरी है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपका जो भी मकसद है वो जल्दी पूरा हो जाए, और मैं आपसे ये कलर खरीद रहा हूँ। अरे तू यहाँ, तुझे जरा से भी शर्म नहीं आती है? तू चंद पैसों के लिए यहाँ रोड पे रंग बेच रही है? मालकिन अगर आपने मुझे पैसों की मदद की होती ना, तो मुझे इस तरह रोड पे रंग नहीं बेचना पड़ता। मालकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे तुझे बात करनी थी तो घर पे बात कर लेती ना तू, यहाँ पे मेरी शॉप पे आने की क्या जरूरत थी तुझे? मालकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए थे इसलिए यहाँ तक आ गई। अभी कुछ दिन पहले तो मैंने तुझे पगार दिया था, अब किस चीज का पैसा चाहिए तुझे? हाँ मालकिन आपने 2 महीने पहले मुझे पगार दिया था, लेकिन अभी मुझे मेरी बेटी के लिए। अच्छा यहाँ पे पैसे का ठिकाना नहीं है और तुझे अपनी बेटी का होली का त्योहार मनाने के लिए पैसे चाहिए? अरे मालकिन ये आप क्या बोल रही है, मुझे आप गलत समझ रही है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर जा, घर का सारा काम कर, कल होली है, कल मेहमान आने वाले है। लेकिन मालकिन पैसे। अरे पैसा पैसा क्या लगा के रखा है, मैं देखती हूँ बाद में, तू अभी घर जा। अरे ये कौन सा नाटक है तुम दोनों का? मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग पैसों के इतने लालची हो कि तुम मेरे यहाँ काम करे हो इस बात का लिहाज तक नहीं किया तुम लोगों ने। अब तो बिना सोचे समझे हमें क्या क्या बोले जा रहे हो। अरे छोड़ो तुम दोनों तो इसी काम के लायक हो, बैठे रहो यहाँ पे और बेचते रहो रंग। अरे रश्मि तुम यहाँ पे, ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है, तुम लोग रोड पे रंग क्यों बेच रहे हो? अरे आप यहाँ पे कैसे? तुम वो सब छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुषार आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तुषार दरअसल बात ये है कि लॉकडाउन के खुलने के बाद जब स्कूल खुलने वाले थे तब सुहाने के स्कूल से फोन आ रहे थे कि उसके स्कूल के बाकी के फीस भी हम भर दें ताकि वो परीक्षा में बैठ सके। फिर ये बात मैं आपको भी बताना चाहूँ, लेकिन मैं आपको और परेशानी नहीं देना चाहती थी इसलिए मैं खामोश रही। फिर मैं मालकिन के यहाँ गई थी पैसे लेने, लेकिन उन्होंने भी मेरी मजबूरी नहीं समझी और बिना पैसे दिए मुझे घर भेज दिया। फिर मैंने सोचा कि होली आ रही है तो रंग बेचकर मैं पैसे जमा करूँ और सुहानी के स्कूल का फीस भर सकूँ। लेकिन तुषार अगर आपको बुरा लगा है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। रश्मि अब तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पता नहीं बिना सोचे समझे तुम्हें क्या क्या बोल दिया, लेकिन अब तुम्हें सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने मालिक से बात करने जा रहा हूँ, वहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। मालिक
अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे तो मैंने जॉब पे आने से मना कर दिया था ना। मालिक दरअसल मुझे आपकी एक मदद चाहिए, मेरी बच्ची की स्कूल की फीस भरनी है, इसलिए मुझे आप 5,000 रुपए दे सकते हो? पागल हो गया क्या? अभी तो मेरा बिजनेस बंद हुआ, मैं तुझे कहाँ से लाके दूंगा 5,000 रुपए? अरे मालिक लेकिन मेरी मजबूरी को तो समझो, अगर आपने आज मेरी मदद नहीं की तो मेरी बच्ची को एग्जाम में भी नहीं बैठने देंगे। तेरी बेटी को एग्जाम में बैठने नहीं देंगे तो उसमें मैं क्या करूँ? मेरे पास पैसे नहीं है। चल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? अरे बता नहीं यार, कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए? पैसे क्या पेट में होते हैं? मम्मी अभी तक पापा क्यों नहीं आए? आ जाएंगे बेटा, चिंता मत कर। अरे तुषार आप आ गए, क्या हुआ? पैसे का इंतजाम हो गया? नहीं रश्मि, पैसे का इंतजाम नहीं हुआ। रुक जा रश्मि। ये कौन है? अरे ये तो मेरी मालकिन है। मालकिन आप यहाँ? रश्मि मैंने तुम्हारी और तुम्हारी पति की बात सुन ली थी, अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया था। लेकिन रश्मि मैं अपनी गलती सुधारना चाहती हूँ। तुम्हारा जो भी पगार है मैं तुमको दे दूँगी और कुछ एडवांस भी दूँगी कि तुम कल की कल अपनी बच्चे की फीस पे कर सको। अरे लेकिन आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब मैं रश्मि पे कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, ये मेरी गलती का प्रायश्चित है, मुझे करने दीजिए। मालकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने होली के त्यौहार पे मेरी बच्ची की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दिए।